अपने फोन में टेबल इसमें अपने बच्चे को एक रोटी तक नहीं दे सकते भैया। सुबह अच्छे से नहीं अंग्रेजों के जुल्म ने भारतीयों को तोड़ कर रख दिया था। इन्हीं दौर की उपज है भगवान बेसा। तिरंगे बोलो मैं क्या करूं, कहूं देगा तिरंगे बोलो मैं क्या करूं, मेरा भारत मैं भारती किस तरह देखा करूं, बंदिश के माथ के बंदू के जैसी लग रही, सब लुटा कर दिए निर्मल भाव में है सज रही, उस लुटी तस्वीर की जान तुझको देता हूँ, उस लुटी तस्वीर की जान तुझको देता हूँ, डाल के तिरंगा इसको इज्जत देता हूँ, डाल के इसको तिरंगा इसको इज्जत देता हूँ, इसको इज्जत देता हूँ, इसको इज्जत देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा ने हमें अंग्रेजों के जुल्म से लड़ना सिखाया, लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं शुरुआत था। हमारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया उन्हें एक एक कर कारागार में डाला जाता गया।
लेकिन बावजूद इसके क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। भगत सिंह ने जो भूख हड़ताल की उसे जारी रखने के लिए उनके सारे साथी उनके साथ थे। कई दिन हो गए, उन लोगों ने अन्न का एक भी निवाला मुंह में जाने नहीं दिया। सरकार हड़ताल तोड़ने तक अपनी कोशिशों को जारी रखी,
पर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए ये वीर सपूत अपनी मिट्टी का हक अदा कर रहे थे और आखिरकार उन गोरों को इनकी सभी बातें माननी पड़ी। सच में नहीं लग गया तिरसठ दिन भूखे रहने के बाद यतीन दास शहीद हो गए और उन गोरे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया। शायद इसीलिए कहा गया है, जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। और इस तरह लड़ते लड़ते आखिरकार गुलामी की जंजीरों में बंधी भारत माँ के पैरों में लगी बेड़ियां झंझनाकर टूट गई और हमारा देश आजाद हो गया। धन्यवाद। एक नंबर ड्रामे बाद भारत माता की, भारत माता की। भैया थोड़ा सा बढ़ थैंक यू NSS सिबलिंग। अब मैं NCC के कुछ रैंक होल्डर्स के लिए